नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, इसके 20 MCQs। और यह इस सीरीज का अकाउंट्स का, आपको पता है कि हमारे टेस्ट चल रहे हैं और इस अकाउंट्स का यह टेस्ट नंबर 3 है। और इस कंसेप्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं कहूँ तो यह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हम ऑलरेडी 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर टू के अंदर हम 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में इसका पार्ट 3 भी आएगा जहां पर हम 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये कह सकता हूं कि यह जो 60 क्वेश्चन है, अगर आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली, चाहे फिर बाद में आपका जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, चाहे आपका अकाउंट्स ऑफिसर का एग्जाम हो, या फिर आपके NTA नेट का एग्जाम हो, या फिर अदर कोई एग्जाम हो जहां पर आपके एग्जाम के सिलेबस के अंदर अकाउंट्स का यह टॉपिक है, तो डेफिनेटली इन 60 क्वेश्चन को करने के बाद में आपका वो क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हम सारे के सारे जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे इन MCQ के अंदर हम कवर अप कर लेंगे। आप हमारी जो मोबाइल ऐप है कॉमर्स मेरी जान, उसको डाउनलोड करके यह टेस्ट फ्री में दे सकते हो, और या फिर आप इसको अपने इस टेस्ट को अपने लैपटॉप के ऊपर भी दे सकते हो, अपने PC के ऊपर भी दे सकते हो। इसके लिए आपको web.classplusapp.com के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ही आप web.classplusapp.com पे जाते हो, वहां पर लॉगिन के ऑप्शन के अंदर यहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का कोड पूछेगा, जहां पर आपको CMJ लिखना है। CMJ बोले तो कॉमर्स मेरी जान, और यहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर लिख देने हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा। OTP देने के बाद में आप हमारी इस मोबाइल ऐप को अपने लैपटॉप के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हो, और वहां से भी आप इन टेस्ट वगैरह को दे सकते हो। आप मेरे साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन यस, मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सभी इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, जो हम अपनी हमारे अकाउंट्स के टेस्ट की जो सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, इसके जितने भी जो PDF होंगे, और इस PDF के अंदर आंसर भी होंगे और एक्सप्लेनेशन भी होगा, जिससे मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं, उन सब की जो PDF होगी वो भी आपको हमारे इस चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर आपको मिल जाएगी। आप नोट्स वगैरह लेने के लिए 8003101114 के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, यह तो कुछ आपके बेनिफिट के लिए और कुछ मेरे बेनिफिट की बातें हो गई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है कि मैचिंग कंसेप्ट जो होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के जितने भी जो रेवेन्यू होते हैं, उसको आपको उस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ मैच करना चाहिए, और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस आएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। तो मैचिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, कहता है कि वेयर एक्सपेंसेस कैन बी मैच्ड विद रेवेन्यू वी शुड डू सो, बिकॉज बेनिफिट्स ऑफ एन एसेट्स और रेवेन्यू शुड बी लिंक्ड विद द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। मतलब कि अगर आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर एसेट्स के रेवेन्यू में से उसके एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपको उसके प्रॉफिट का पता चल जाएगा। आपको जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको आपको कॉस्ट के ऊपर दिखाना चाहिए। यह कौन सा कंसेप्ट कहता है, यह कहता है आपके लिए कॉस्ट कंसेप्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी एसेट्स है वो 1 लाख रुपीज के अंदर परचेज की है, और इसको परचेज करने के बाद में इसको वहां से यहां तक के ट्रांसपोर्ट के खर्चे हो गए 10,000 रुपए, प्लस 2,000 रुपए मैंने यहां पर इसको इंस्टॉल करवाया, तो टोटल मेरे लिए खर्चा पड़ा 1,12,000 रुपए का। तो मेरे को अपनी यह जो एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स होगी उसको कॉस्ट के ऊपर दिखाना पड़ेगा, इस 1,12,000 के ऊपर दिखाना है। यह आपके लिए आता है कॉस्ट कंसेप्ट। देखिएगा, कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर क्या आता है, कॉस्ट जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको उसकी परचेज प्राइस होती है, एक्विजिशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए जितने भी जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आपको उस कॉस्ट के अंदर, उस मशीन की कॉस्ट में एड कर देने चाहिए। आकांक्षा ने एक ओल्ड कार खरीदी है, कितने रुपए में खरीदी है, 3 लाख रुपए के अंदर, 25,000 रुपए के उन्होंने रिपेयर के खर्चे दे दिए। तो अब बताओ उनकी ये जो एसेट्स है वो कितने की है, 3,25,000 रुपए की कॉस्ट की आई, उनको यह एसेट्स कितने में दिखाई जानी चाहिए थी, 3,25,000 रुपए के अंदर ही उनको यह एसेट्स दिखाई जानी चाहिए थी।
उनको ये एसेट्स कितने रुपए में दिखाई जानी है, 3,25,000 में। लेकिन फिर वो मार्केट कार लेकर गए और मार्केट में जाकर पूछा कि भाई हमारी कार कितने में बिक जाएगी। मार्केट में कहा कि यार 3,75,000 में बिक जाएगी, बहुत सही कार दिख रही है। और उन्होंने अपनी उस कार को 3,75,000 रुपए के अंदर अपनी किताबों के अंदर दिखा दिया है। बताइएगा कि कौन सा कंसेप्ट वॉयलेट हुआ है। यहाँ पर जो कॉस्ट कंसेप्ट होगा वो वॉयलेट हुआ है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि आपको जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है उनको उनकी कॉस्ट पर दिखाना है। कॉस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया था, परचेज प्राइस प्लस उसको रेडी टू यूज करने में जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आपको उसकी कॉस्ट में ऐड करने होंगे। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन कौन सी है? अब देखिएगा, यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफी सारे स्टूडेंट जिनको यह आते हुए भी वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है रूढ़िवादिता जिसे आप बोलते हो, और एक कंसेप्ट है आपके लिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। एक कंसेप्ट है आपके लिए कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। अब क्या होता है कि अगर इन दोनों कंसेप्ट के अंदर अगर बात की जाए तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्जाम के अंदर जो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इससे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट क्या करता है, कंसिस्टेंसी और कंजर्वेटिज्म में कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको साफ से एक बात कह देता हूं कि कंजर्वेटिज्म कितना भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट होने के बावजूद भी यह आपके लिए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। बस इस बात को आप याद रख लेना, आपका एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के अंदर कंजर्वेटिज्म को शामिल नहीं किया गया है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट है रूढ़िवादिता उसको शामिल नहीं किया गया है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में कंसिस्टेंसी को इंक्लूड किया गया है, जो कि यह क्योंकि ये देखो सी से कंजर्वेटिज्म है और सी से ही कंसिस्टेंसी है, और यहीं पर आपके एग्जाम के क्वेश्चन गलत होते हैं सर, है ना। तो कंसिस्टेंसी जो है वो आपके लिए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होती है। अब देखो ए और सी सी के अंदर ये कंजर्वेटिज्म और कंसिस्टेंसी इसका ही फर्क है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए सी। Which of the following does not follow the dual aspect? इनमें से कौन सा dual aspect को follow नहीं करता है? अब देखो यहाँ पर जितने भी आपके option आए हैं, मैं कहता हूँ कि सर इन सभी options को आप एक बार थोड़ा सा example के साथ समझ लीजिएगा, ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। पहला कहता है कि एक assets बढ़ेगी तो दूसरी assets कम होगी। For example मेरी सर कोई assets है, उसको मैंने केस में परचेज किया, मेरी एक एसेट्स बड़ी और दूसरी एसेट्स कम हो गई। यस इट इज पॉसिबल। इंक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, की एसेट्स भी बढ़ रही है और लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है। मैं केस में परचेज ना करके मैं क्रेडिट में परचेज करता हूं, उधार में परचेज करता हूं, तो मेरी एसेट्स तो बढ़ गई और साथ में मेरी जो लाइबिलिटीज हैं वो भी बढ़ गई। यस ये भी सही है। डिक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अदर एसेट्स, की एक एसेट्स में कमी होगी तो दूसरी एसेट्स में भी कमी होगी। ये पॉसिबल नहीं है सर कि अगर एक एसेट्स में कमी है तो दूसरी एसेट्स में भी कमी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले वाले एग्जाम के अंदर अगर आपने एसेट्स है वो कैश में खरीदी तो एक एसेट्स में वृद्धि हो रही है और दूसरी में कमी हो रही है। एसेट्स अगर आपने उधार में खरीद ली तो एक एसेट्स में वृद्धि हो रही है, दूसरी एसेट्स में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो डेटर है वो आपको केस देकर चला गया, तो डेटर नाम की एसेट्स कम हुई हैं, तो केस नाम की एसेट्स क्या हो गई, बढ़ गई। एक एसेट्स कम हुई तो दूसरी एसेट्स बढ़ गई। तो यह पॉसिबल ही नहीं है किसी भी एग्जाम्पल के अंदर कि दोनों की दोनों एसेट्स जो होगी उसमें कमी हो जाएगी। तो यहां पर आंसर आ जाएगा कि ड्यूल एस्पेक्ट के अंदर किसको फॉलो नहीं किया जाता है, डिक्रीज इन वन एसेट्स एंड आल्सो डिक्रीज इन अदर एसेट्स। द रूल ऑफ लोअर ऑफ द, आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में से जो भी कम आता है उसके ऊपर आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना होगा। यह कौन सा कंसेप्ट होता है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट होता है। इससे आपका जो प्रॉफिट होगा वो कम दिखाई देगा और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अंदर हमेशा ही यह कोशिश रहती है कि आप अपने प्रॉफिट को कम से कम दिखाओ और लॉसेज को ज्यादा से ज्यादा दिखाओ। गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 इज विड्रॉन फ्रॉम द फॉर द यूज ऑफ द फैमिली ऑफ द ऑनर। 5,000 रुपए का जो गुड्स है वो फैमिली मेंबर्स के उपयोग के लिए यूज लिया गया है मालिक के द्वारा, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। मैंने आपको बताया गया है कि परचेज किया हुआ माल अगर आपसे सेल के रूप में अलावा किसी भी अन्य रूप में जाता है तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन परचेज किया हुआ माल सेल के अलावा अगर आपसे दूर जाता है तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जिससे वो जाता है, जिस कारण की वजह से जो जाता है वो कारण क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और यहां पर कारण क्या है,
ड्रॉइंग मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए किया है, तो कारण क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। When fixed assets are sold for cash, अगर fixed assets अभी एग्जाम्पल में लिया था, fixed assets अगर sold की जाती है cash में, तो एक assets तो बढ़ेगी है ना, एक assets तो बढ़ेगी, 10 लाख रुपए की fixed assets बढ़ गई, माइनस करंट assets, cash कम होगा या नहीं होगा? एक assets कम होगी 10 लाख रुपए की, तो मतलब एक एसेट्स बढ़ गई, एक एसेट्स कम होगी। फिक्स्ड एसेट आपकी टोटल एसेट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ा? टोटल एसेट्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। वेयर द फिक्स्ड एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, बता दिया। द अकाउंटिंग जो इक्वेशन होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? वो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। वो कौन सा कंसेप्ट होता है जो कि कहता है कि बिजनेस अपने मालिकों से अलग है? यह कंसेप्ट है आपके लिए एंटिटी कंसेप्ट, आंसर हो जाएगा आपके लिए डी। नेक्स्ट आता है आपके लिए कि जो ओनर है और उसने अपने पर्सनल मेडिकल खर्चों को कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में दिखा दिया है एज एन एक्सपेंसेस, कौन सा कंसेप्ट इसने वॉयलेट किया है? इन्होंने एंटिटी कंसेप्ट वॉयलेट किया है, जो कि कहती है कि मालिक के खर्चे अलग है साहब और बिजनेस के खर्चे अलग होते हैं। आपने एक मशीन परचेज की है 10 लाख रुपए की, फिक्स्ड एसेट्स थी, फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख से बढ़ गई, केस आपने 5,50,000 रुपए का दिया है, करंट एसेट्स आपकी 5,50,000 से क्या हो गई? कम हो गई। यह 10 लाख रुपए से बढ़ गई, यह 5,50,000 से कम हो गई, और आपके लिए जो 4,50,000 रुपए जो बच गए थे, उन्होंने आपने कह दिया कि यार बाद में देंगे, 30 दिनों के अंदर अंदर हम आपको दे देंगे, तो आपकी लाइबिलिटीज जो है वो 4,50,000 रुपए से बढ़ गई। आई बात समझ में? यह आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। अब ये बताओ कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये कहता सर टोटल एसेट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, 10 लाख बढ़े, 5,50,000 कम हुए, तो 4,50,000 रुपए से बढ़ी है टोटल एसेट्स, तो पूरा करने के बाद में भी सर क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये नहीं कहना चाहता कि टोटल एसेट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि फिक्स एसेट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। फिक्स एसेट्स के ऊपर तो फर्क आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है कि फिक्स एसेट्स आपके लिए 10 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा आपके लिए यहां पर कि फिक्स एसेट्स 10 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। कंसेप्ट, वो कंसेप्ट बताइएगा जो कि कहता है कि केवल और केवल उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो कि केस में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, आपको उनको ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। ये कौन सा कंसेप्ट होता है? ये मनी मेजरमेंट या माप कंसेप्ट होता है। जनरली हम जो पैसा होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, वो राउंड फिगर के अंदर अमाउंट लिखते हैं। यह आपके लिए मेटरलिटी कंसेप्ट है, भौतिकता की उदाहरण है, महत्वपूर्णता की अवधारणा होती है, जो कि कहता है कि आप जो पैसा होता है उसको अम्बिशन कर दो और राउंड फिगर के अंदर अपनी फिगर्स को दिखाओ। गाप की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब देखो अभी तक ये जितने भी जो क्वेश्चन थे ना, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, जरूर से इस क्वेश्चन को ध्यान में देखिएगा। कहता है कि इफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज नो लॉन्गर वैलिड, अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, देखो मैं बिल्कुल इसको बहुत, आपने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, आपने टेस्ट भी दिया होगा, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ। गोइंग कंसर्न कहता है कि यार हमारा जो बिजनेस होगा वो लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा, जन्म जन्मांतर तक चलेगा, कभी भी हमारा बिजनेस जो होगा वो बंद नहीं होगा। तो अब आपको पता है यार आपका बिजनेस कभी बंद होने ही नहीं वाला है, तो इस वजह से आप क्या करते हो, आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को, आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स को उनकी कॉस्ट पे दिखाते हो। आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स को किस पे दिखाते हो? उनकी कॉस्ट के ऊपर दिखाते हो। लेकिन अब कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज नो लॉन्गर वैलिड, अब आपको पता चल गया कि यार अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वैलिड नहीं है, अब आपका जो बिजनेस है वो ज़्यादा टाइम पीरियड तक के लिए नहीं चलने वाला है, बंद होने वाला है अगले 1-2 महीने के अंदर, तो आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट पे ना दिखाकर आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स को रियलाइजेबल प्राइस के ऊपर दिखाना स्टार्ट कर देते हो। आई होप समझ में आया होगा। सर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, तो कुछ और अच्छे तरीके से समझा सकते हो क्या? हमने कहा कि बिल्कुल सर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ये जो वन प्लस था, यह मैंने 40,000 में परचेज किया था, है ना, मैंने ये वन प्लस कितने में परचेज किया था, 40,000 में परचेज किया है, और अब
मेरे को इसको बेचना ही नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि यह जो है वो आने वाले 700, 700, 800 सालों तक यह जो वन प्लस है वो मेरे पास ही रहेगा, मैं इसको कभी भी नहीं बेचूंगा, है ना। 700, 800 सालों तक, जन्म जन्मांतर तक, जब भी जब तक मैं इस दुनिया के अंदर हूँ तब तक मेरे पास ये फ़ोन रहेगा। अब मेरे लिए अगर मार्केट में अभी इसकी जो प्राइस है सर वो 25,000 रुपये है ना, अब मेरे लिए इसकी प्राइस 25,000 हो गई, मेरे लिए इसकी प्राइस 20,000 हो गई, मेरे को क्या मतलब है, मेरे को क्या मतलब है। कोई मेरे से पूछता है कि फ़ोन कितने का है, मैं तो इसको ये बताता हूँ ना मेरा फ़ोन कितने का है, मेरा फ़ोन 40,000 रुपये का है। क्लियर है मेरी बात। लेकिन सपोज करो कि वो जन्म जन्मांतर खत्म होने वाला है, अब मेरे को पता चलने लग गया है कि मैं युगो युगो तक नहीं जीने वाला हूँ, अगले 1-2 दिनों के अंदर मैं खत्म होने वाला हूँ, मैं फिर भागा भागा जाऊँगा और कहूँगा कि ये फ़ोन कितने में बिक जाएगा, तो मार्केट में पता चला कि ये फ़ोन 25,000 में बिक जाएगा। अब मेरे को कोई पूछेगा कि फ़ोन कितने का है, तो मैं कहूँगा कि फ़ोन कितने का है, 25,000 रुपये का है। यानी कि अब मैं इसको कितने पर दिखाऊँगा, रिलायजेबल वैल्यू के ऊपर मैं इसको दिखाने लग जाऊँगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज नो लॉन्गर वैलिड का मतलब होता है कि अब आपको पता चल गया कि आपका जो बिजनेस है वो युग युगांतर तक नहीं चलने वाला है, आने वाले टाइम पीरियड में खत्म होने वाला है। क्लियर हुई बात। तो उसमें आप अपनी जो भी फिक्स्ड एसेट्स होती है ना उसको आप अपनी उनकी रिलायजेबल वैल्यू के ऊपर दिखाने लग जाते हो। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंड, आप देखो ये बताया था कौन सी नहीं है, कंजर्वेटिज्म नहीं है, कंसिस्टेंसी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, कंजर्वेटिज्म आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं होती है। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को आप जो बाइफरकेशन करते हो ना वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के आधार के ऊपर करते हो। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि जो एसेट्स ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक नहीं टिकने वाली है उनको आप कर नॉन करंट एसेट्स कर दो, जो ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक टिकने वाली है उनको आप नॉन करंट एसेट्स कर दो। जब भी आप ट्रेड एक्सपेंसेज का फाइनलाइजेशन करते हो उसमें है प्रीपेड एक्सपेंसेस ना, तो को प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं ना उसको आपके पेंडल के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेंसेस थे मेरे 10,000 रुपए के, लेकिन यार इसमें से 2,000 के जो एक्सपेंसेस हैं वो तो मेरे प्रीपेड हैं आने वाले साल के, तो वो 2,000 माइनस कर दूंगा, 8,000 के खर्चे जो इसी साल के ना वो केवल और केवल 8,000 के खर्चे इसी साल के पेंडल अकाउंट में दिखाए जाएंगे। यानी कि पेंडल अकाउंट में से प्रीपेड एक्सपेंसेस को तो क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। अब मैंने पहले ही पे कर रखा है, मतलब कि ये मेरे लिए एसेट्स है, तो उनको बैलेंस शीट में एज इन करंट एसेट्स के रूप में शो कर दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, और यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जरूर से आप हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी नाम जान के नाम से जरूर से सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। द अंडरलाइन कंसेप्ट बताइएगा जो कि कहता है कि इंटेंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन होता है, होना चाहिए, यह बताता है आपके लिए मैचिंग एसेट, इससे उस टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस आपके वहां पर शो हो जाएंगे। आई होप आपको हमारा जो वीडियो होगा वो काफी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो सर वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर से इसको शेयर कर दीजिएगा। जितना ज्यादा शेयर करोगे सर उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।